महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को शहर के सभी कोरोना सेंटरों का जायजा लिया। नागपुर शहर में कोरोना प्रकोप बढ़ते जा रहा है, ऐसे में शहर के सभी वैद्यकीय विभाग पर दबाव आ गया है। शहर के सभी अस्पताल में कोरोना मरीज के लिए बेड नहीं है, ऐसे में शहर के कोरोना सेंटरों का जायजा शनिवार को विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने लिया। फडणवीस ने मेयो मेडिकल, इंदिरा गांधी मनपा अस्पताल के साथ ही शहर के सभी अस्पतालों का जायजा लिया। इस समय देवेंद्र फडणवीस के साथ शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी और भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके उपस्थित थे। फडणवीस के इस दौरे के बारे में महापौर ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने शहर के सभी अस्पतालों का जायजा लिया और कुछ सुझाव भी दिए। कल माननीय देवेंद्र जी ने अपना सेकेंड डोज हमारे महल के सेंटर पर आकर के लिया। उन्होंने कोवैक्सीन का डोज पहला मुंबई में लिया था, दूसरा डोज नागपुर के ही महल स्वर्गीय प्रभाकर राव दटके रोग निदान केंद्र में महल में कोवैक्सीन शुरू है इसलिए वहाँ लिया। उस वहाँ का कल दौरा किया, आज माननीय देवेंद्र जी ने यहाँ IGR इंदिरा गांधी रुग्णालय महानगर पालिका को जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है, 110 बेड की कैपेसिटी में चालू है, उसका विजिट किया। यहाँ के वैक्सीनेशन की उन्होंने विजिट की और एक अच्छी राय वो व्यक्त करके गए। यहाँ की जो टीम काम कर रही है उस टीम का उन्होंने अभिनंदन किया और यहाँ आने वाले समय में और जो व्यवस्था की आवश्यकता है उसका एक निवेदन भी उन्हें दिया गया और वे आवश्यकता की पूर्ति माननीय देवेंद्र जी करेंगे ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने शहर के बेड के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहर में बेड बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, आपको अगर मैं सामान्य तौर पर बताना चाहूँगा तो सितंबर में नागपुर में 1553 बेड थे और आज नागपुर शहर में 5,500 से ज़्यादा बेड उपलब्ध करा करके महानगर पालिका के माध्यम से दी गई है, अर्थात हम करीब करीब 4 गुना के आसपास बेड उपलब्ध कराए। लेकिन कोरोना की तीव्रता हमसे ज़्यादा तेज है और इसकी पूर्व कल्पना नहीं थी। इस दृष्टि से आने वाले 8-10 दिन में और शहर में 500 बेड हो सके इस दृष्टि से हम लोग प्रयास करेंगे। कल हमने नेशनल कंसर्न इंस्टीट्यूट में 100 बेड की शुरुआत करी, आने वाले कल अथवा परसों हम लोग KT नगर का हमारा सेंटर है उसकी शुरुआत करेंगे, वहाँ भी 110 बेड उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद आने वाले सप्ताह में हम वहीं गड्डी गोदाम में और एक 88 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत करेंगे। आने वाले सप्ताह में हम हमारे पांचपौली कोविड केयर सेंटर की मेटर्निटी होम की शुरुआत करेंगे जहाँ 110 बेड हो गए। आने वाले सप्ताह में हम लोग श्री आयुर्वेद की भी शुरुआत करेंगे जहाँ हमारा ऑक्सीजन लाइन लेइंग का काम चालू है। इस प्रकार से करीब करीब 500 एडिशनल बेड आने वाले 7 दिन में नागपुर शहर के लिए उपलब्ध हो सके इस दृष्टि से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वयं 14 दिन क्वारंटीन था, क्वारंटीन होने के बाद मैं 14 तारीख को बाहर निकला और उसके बाद तीव्रता के साथ में व्यवस्था होनी चाहिए इस दृष्टि से प्रशासन को साथ में लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन पहले से कार्यरत था, उनको जो कुछ अड़चने थी उसका निराकरण करके उसकी गतिशीलता बढ़ाने का काम हमने किया। 2-3 और अधिकारी एडिशनल उसके लिए नियुक्त करके अभी मेश्राम जी नए हमारे जितने सेंटर शुरू होंगे इस पर ध्यान दे रहे हैं। NGOs जिसमें डॉक्टरों की प्रतिपूर्ति के साथ साथ मैनेजमेंट पे भी हमारा साथ दे सके इस दृष्टि से कुछ NGOs के साथ में मिल करके हम लोग इस सारे के सारे दवाखाने शुरू करेंगे। एक NGOs के माध्यम से हमारा पांचपौली का जो क्वारंटीन सेंटर था उसके नीचे जो हमारा एक वॉक इन ऑक्सीजन सेंटर था उसको हमने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के रूप में रूपांतरित किया। वो मेडिकल सोशल सर्विसेज ग्रुप जो है जमात इस्लामी का उसके माध्यम से उसका भी संचालन हो रहा है। इस दृष्टि से हम सबको सहयोग में लेकर साथ में लेकर के कार्य करने के लिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।